हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल लिल्हा एजुकेशन सेंटर। अगर आप एक CUET के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। BHU का काउंसलिंग फॉर्म, काउंसलिंग पोर्टल ओपन कर दिया गया है। जी हाँ, 20 सितंबर से BHU का काउंसलिंग पोर्टल ओपन कर दिया गया है फॉर UG एडमिशंस। तो अगर आप BCOM, BSc किसी भी स्ट्रीम के लिए अगर आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स के अंदर में एडमिशन लेना चाहते थे BHU में, तो CUET के थ्रू इस बार एग्जामिनेशन हुए थे और अब काउंसलिंग पोर्टल को ओपन किया गया है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा मात्र 10 मिनट के अंदर में सिखाने वाले हैं कि कैसे कैसे करके आप पूरा एडमिशन फॉर्म फिलअप करिए। इसको ध्यान से देखना एंड तक, ताकि आप किसी भी डिटेल को मिस आउट ना कर सको और एक बार में एकदम सटीक फॉर्म भरो। देखो, एक बार कहीं भी फॉर्म अटक जाता है तो बाद में दिक्कत होती है, तो आप एकदम एक बार में सटीक फॉर्म फिलअप कर सको, इसलिए इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखना। और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए तो लाइक करके सब्सक्राइब करके जरूर से रखना, बिकॉज इसमें आगे आपके प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भी आएंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी। हम आपको हर एक चीज पे गाइड करते रहेंगे कि आपको कैसे कैसे कौन कौन सा फॉर्म फिलअप करना चाहिए। तो फटाफट समझ लेते हैं कि BHU का काउंसलिंग फॉर्म आपको कैसे करके फिलअप करना है। सबसे पहले यह समझिए कि यह फॉर्म कब से आया है और आपको कब तक में भरना है। तो यह जो काउंसलिंग फॉर्म है, यह रिलीज किया गया है ऑन 20th ऑफ सितंबर। 20 सितंबर को, आज जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज 21 सितंबर, 20 सितंबर से रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन किया गया है फॉर UG एडमिशंस। और कब तक ओपन रहेगा? रजिस्ट्रेशन पोर्टल और प्रेफरेंस एंट्री दोनों के दोनों 3 अक्टूबर तक ही। आप बिल्कुल भी इस लास्ट डेट तक इंतजार मत करना, आप पहले ही इसको फिलअप कर लेना, लेकिन ये 3 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। 3rd ऑफ अक्टूबर तक ये सारी की सारी चीज़ें ओपन रहेंगी, उससे पहले आप इसको टाइमली ज़रूर से फिलअप कर लेना। प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म एक फॉर्म होता है जिसके अंदर में एक यूनिवर्सिटी के अंदर में बहुत ढेर सारी कॉलेजेस आती हैं, तो आप किस कॉलेज को ऑप्ट करना चाहते हो, किस कोर्स को ऑप्ट करना चाहते हो, ये सारे की सारी डिटेल्स अभी आप फॉर्म भरते वक्त नहीं करोगे, आप प्रेफरेंस एंट्री में उसको फिलअप करते हो। तो प्रेफरेंस एंट्री का पोर्टल 26 तारीख से ओपन होगा, 26th ऑफ सितंबर से। अभी फिलहाल रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हुआ है जिसको आपको फिलअप करना चाहिए, हालांकि दोनों की ही लास्ट डेट है 3rd अक्टूबर। अब आप इसको कैसे करके भरेंगे? देखिए, इसके लिए जो वेबसाइट पर आपको जाना है, इसका नाम है BHUonline.in। ध्यान से सुनिएगा नाम, द वेबसाइट इज BHUonline.in। इस वेबसाइट पे जा करके आपको आगे क्या क्या प्रोसेस करना है देखिए ध्यान से। जब आप BHUonline.in पर जाएंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट पर जा करके आपको इस एरिया में दिखाई देगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर UG। तो अगर आपका कोई भी UG कोर्स है, यहाँ पे आकर के आप अप्लाई कर सकते हैं, PG के लिए नहीं है। लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई। तो जब आप क्लिक हेयर टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो फिर आपका ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे गए, यहाँ पे क्लिक किए तो ये पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जा करके आपको एप्लीकेंट लॉगिन पे एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो साइन इन करना है। तो बेसिकली आपको साइन इन ही करना है यहाँ पे। साइन इन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे आपका एप्लीकेशन नंबर मांगेगा। तो आप अपना CUET का एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर, CUET का एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर डालेंगे यहाँ पे, और फिर इसके बाद इसको आप सबमिट कर दें। बेहतर है कि रोल नंबर अभी जो फिलहाल है आपका, यही एक तरीके से पासवर्ड है। लेटर ऑन आप चाहें तो इस पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं, तो आप चाहें तो आगे जा करके इसको रीसेट कर लीजिए, बेहतर ये रहेगा कि आप इसको रीसेट कर लें। इसके बाद आपके सामने कौन कौन से विंडोज आएंगे, इनको आप ध्यान से समझिए। आपको जैसे ही आप लॉग इन कर लेंगे, ये वो पोर्टल है जो कि आपके सामने में ओपन होगा। ध्यान से देखिएगा, ये वो पोर्टल है जो कि आपके सामने में ओपन होगा। यहाँ पे सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस है आपका। पहला है माई एप्लीकेशन, जिसमें आपको अपनी एप्लीकेशन की डिटेल्स भरनी है। दूसरा है आपको फॉर्म प्रीव्यू करना है। तीसरा है जिसमें आपको पेमेंट करना है। सारी की सारी डिटेल्स आपको माई एप्लीकेशन में फिलअप करनी है। तो आप जैसे ही लॉग इन करेंगे, आपके सामने में ये डैशबोर्ड ओपन होगा और इस डैशबोर्ड के अंदर में आपको माई एप्लीकेशन पे जाना है। माई एप्लीकेशन में जाने पर आपको यहाँ पर इस तरीके से कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। जैसे आपको दिखाई देगा एक तरफ में एप्लीकेशन स्टेटस, जिसमें एप्लीकेंट की डिटेल है, फोटो एंड सिग्नेचर है, एजुकेशन डिटेल्स हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड है, प्रीव्यू एंड कंफर्म है। एप्लीकेंट डिटेल के अंदर में आपको बेसिकली अपनी वही डिटेल्स, नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी सारी चीज़ें फिलअप करनी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन एकदम जो कि फिलअप करनी है। फिर आता है फोटो एंड सिग्नेचर। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करते वक्त आपको डायमेंशंस का ध्यान देना है कि कितने KB तक का वो कह रहा है। देखिए, फोटो एंड सिग्नेचर प्रॉपर स्कैन करके करिएगा। फ़ोन में एक स्कैनर होता है जिसको JPEG फॉर्मेट में आप स्कैन करिएगा और फिर उसको रिसाइज करना होता है। आपको ऑनलाइन रिसाइज करने वाले ढेर सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे, उसमें आप जा करके उसको रिसाइज कर सकते हैं। नहीं तो फिर माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर, अलग अलग एप्लीकेशन है जिनसे आप उसको रिसाइज करके साइज को छोटा कर सकते हैं। तो साइज चेक कर लीजिएगा, उसमें केवल 100 KB तक का अलाउड है। तो 100 KB तक ही आपकी फोटो की और सिग्नेचर की साइज होनी चाहिए।
इसके बाद आपको आपकी एजुकेशन डिटेल्स डालनी होगी, क्लास टेंथ के और ट्वेल्थ के, बेसिकली आपको यहाँ पे नंबर डालने पड़ेंगे। ट्वेल्थ के मार्क्स इसके अंदर में पूछे जा रहे हैं, तो आप बताएंगे कि आपका परसेंटेज में नंबर था या CGPA में नंबर था, आपका कौन सा बोर्ड था, ये सारे के सारे, जैसे CBSE बोर्ड था, महाराष्ट्र बोर्ड था, UP बोर्ड था, ICSE बोर्ड था, कौन सा बोर्ड था। इसके बाद आपको अपलोड करने होंगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से अपलोड करने हैं ये ध्यान से सुनिएगा, इन डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखिए, बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा, इन डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी करके रखिएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको करने हैं, यहां पर आपको अपलोड करना होगा स्कोर कार्ड ऑफ CUET, फिर इसके बाद मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट टू असर्टेन द डेट ऑफ बर्थ। तो जैसे ये आपको कहा गया कि आप दो तरीके से कर सकते हैं, PDF या JPEG, ठीक है, बेहतर है कि आप JPEG में कर लीजिए, नहीं तो फिर आप PDF में भी कर सकते हैं, जिसमें आपको बेहतर लगे। साइज़ का बस ध्यान रखिएगा। मैट्रिकुलेशन यानी आपका टेंथ का सर्टिफिकेट हो गया, उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है पासिंग सर्टिफिकेट, एक होता है मार्कशीट। बेसिकली डेट ऑफ बर्थ जिसमें लिखा हो, जनरली मार्कशीट पर लिखा रहता है, आप उसको अपलोड कर लीजिए, उसमें डेट ऑफ बर्थ मैंशन होनी चाहिए। ट्वेल्थ की भी पासिंग सर्टिफिकेट मार्कशीट में आपको मार्कशीट अपलोड करनी है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट करना है, अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं तो फिर उसका सर्टिफिकेट, और अगर BHU एम्प्लॉई हैं, ठीक है, आपके मम्मी या पापा कोई BHU एम्प्लॉई हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद आपको लास्ट में कहेगा प्रिव्यू एंड कन्फर्म, तो लास्ट में जब आप आखिरी स्टेप तक कर लेंगे तो आपका स्टेप नंबर 1 यानी माई एप्लीकेशन हो जाएगा पूरा। अगर कुछ गलती हो जाए तो पीछे जाके आप एडिट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप उसको एकदम सही सही फिलअप करें, कहीं पे भी गलती ना हो। एक बार फाइनल सबमिट हो गया, पेमेंट हो गया, उसके बाद फिर आप उसमें एडिटिंग नहीं कर पाएंगे आसानी से। प्रीव्यू फॉर्म के अंदर में आपने जितना भी पूरा का पूरा फिलअप किया, डिटेल आपको सब दिखाई देगा, आपको आपके CUET के स्कोर्स भी वहाँ पर दिखाई देंगे। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो फिर आप उस कोर्स को वहाँ पे ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, आपके वहाँ पे मार्क्स वगैरह दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। अगर आपने BHU के लिए अप्लाई किया होगा तभी बेसिकली वो सब यहाँ पे दिखाई देगा, नहीं तो ये सब आपको दिखाई नहीं देगा। तो बेसिकली प्रीव्यू फॉर्म के अंदर में आपको आपके स्कोर्स, ईच एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। इसके बाद जो आपने डिटेल फिलअप किया होगा वो दिखाई दिया होगा। लास्ट स्टेप है, आपको 200 रुपये का एक पेमेंट करना है, इसको भी अटका करके मत रखिएगा। साथ ही साथ ये नहीं कि सब कुछ हो गया, पता चला आप पेमेंट नहीं किए, तो साथ ही साथ 200 रुपये का एक पेमेंट है ये भी कर लीजिएगा। ये कर लेने के बाद अभी कंप्लीट नहीं होगा, आपको प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म आएगा जो कि 26 सितंबर को ओपन हो रहा है, फिर आपको ये प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म फिलअप करना होगा। ये सब जब आप कर लेंगे तब जा करके आपका ये फॉर्म सबमिट होगा। प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म कैसे भरना है, उसमें किन कॉलेजेस को टॉप प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, किन कॉलेजेस को उसके नीचे रखना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग आपको इस चैनल पर गाइड करेंगे। बट हाँ, ये UG रजिस्ट्रेशन आपके हो गए ओपन, देखिए इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा पेमेंट होगा, ठीक है, जिसमें आपको 200 रुपये की एक ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी, और ये आपका एक डिक्लेरेशन रहेगा, आपको दिखाई देगा डिक्लेरेशन लास्ट में, किस तरीके से आपको पूरा का पूरा डिक्लेरेशन दिखाई देगा, मार्क्स दिखाई देंगे। तो जो आपका प्रीव्यू फॉर्म होगा ना, उसमें आपको इस प्रकार सब कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। लास्ट में आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ये आगे हो जाएगा प्रोसीड, ठीक है। फिर उसके बाद आप पे कर देंगे तो आपका काम खत्म, रजिस्ट्रेशन का काम खत्म। लेकिन याद रखिएगा, प्लीज़ याद रखिएगा, प्रेफरेंस एंट्री कर लीजिएगा। तो उम्मीद है ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा, हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा, ठीक है। आगे हम आपको बताएंगे कि प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म कैसे करके भर सकते हैं आप, ठीक है। नंबर जितने भी आए उसको लेकर के आप परेशान मत होइएगा, चांसेस आपके बेसिकली अगर हम कहें तो अराउंड 80 अबव है, तो एक अगर 80 बिलो है तो फिर इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, बट 80 अबव के अंदर वी हैव गॉट गुड चांसेस। बाकी वी कैन नॉट से एनीथिंग, CUET आपका पहली बार हो रहा है, ठीक है, 80 अबव भी इज़ नॉट अ कन्फर्मेशन, ठीक है, कि नहीं एकदम हो ही जाएगा, बिकॉज देर इज गोइंग टू बी वेरी टफ कॉम्पिटिशन। कितने एप्लीकेशन आते हैं, क्या आता है, एवरीथिंग इज़ वेरी अनसर्टेन, बट अगर आपने किया है तो उसके लिए अप्लाई ज़रूर से करिएगा, और अपने रिजल्ट आने तक में पेशेंस रखिएगा, लास्ट राउंड तक चीज़ें जाती हैं वहाँ तक रखिएगा। बाकी हम लोग के पास में डेटा आते जाएगा तो हम लोग आपके साथ में शेयर करते जाएंगे, ठीक है। तो बेस्ट विशेज फ्रॉम आर साइड, बेस्ट विशेज फ्रॉम लीला एजुकेशन सेंटर, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।